कई लोग ऐसे होते हैं कि चाहे उन्हें फिल्म में बैठा दो बीमार होने लगेंगे, चाहे उन्हें कहीं किसी की मृत्यु बैठा दो बीमार होने लगेंगे, और चाहे उनको धर्म के क्षेत्र बैठा दो बीमार होने लगे। उनको रोना बहुत जल्दी आता है, होता है ना, कई लोग इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं। डॉक्टर साहब कभी कभी बताते हैं, खुद बताते वो अपने बारे में, कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत तार्किक हूँ डॉक्टर साहब, तो लोग सोचते हैं कि अंदर तो दिल नहीं है अंदर समय, क्योंकि हर चीज़ को काय से देखते हैं, एकदम तर्क से देखते हैं, इमोशनल होने की बात ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं मेरे से ज़्यादा इमोशनल आदमी ढूंढना मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैंने आज तक कोई भी फिल्म देखी, कभी जब भी देखी तो मेरे आंसू ना निकले हुआ ही नहीं। मैंने कोई प्रथम आयोग पढ़ा तो मेरे आंसू निकल गए। तो बोले जबकि मैं अंदर सब समझता हूँ, लेकिन वो प्रकृति ऐसी कि निकल जाए। अब लेकिन तुम किसी के आंसू निकल जाए तो तुम उसे बड़ा धार्मिक समझते, तुम्हारी बीमारी, और किसी के नहीं निकले तो तुम उसे समझते, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन भैया ये आंसू निकलना, भावुक होना, ये कोई बहुत शूरवीरता की निशानी थोड़ी ही है, ये तो आपके बहुत कमजोरी की निशानी कि आप मोह में इतने आवेश में आ जाते हो कि आप प्रसंग में बहते चले जाते हो। समझ में आया ना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है कि आप कहानी सुन रहे और आप भी रोने लगे, अरे रे 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 रे, देखो क्या हुआ क्या हुआ है। और मैं एक एक कहानी के बारे में आपको जब बोलता हूँ तो आप सोचते नहीं, समझ में आया। मैं तो एक एक कहानी के बारे में बोल सकता हूँ। आप अभी आपने एक ही कहानी देखी थी, अरविंद जी बैठे थे मेरे बारे सामने, अब सोमा की कहानी किसकी थी, वो नल नील की कहानी थी। अब देखो, पहले तो वो आदमी इतना धार्मिक कि जब उसका स्वयंवर चल रहा था तो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा था, ये तो आए नहीं थे जैसा हम अरविंद जी थे नाटक में, तो कितनी बढ़िया बढ़िया, मैंने आप जागृत नहीं हूँ मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा था। उसने परीक्षा करी ना, उसने मैंने जिसकी शादी होनी थी दमयंती ने, के बताओ जैन धर्म क्या है, ये है तीर्थंकर किसे कहते, इसे कहते, कितनी बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो, और कितने बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहा था वो। और वो व्यक्ति ऐसा धार्मिक व्यक्ति, उसने स्वयंवर हुआ, शादी हुई, और वो व्यक्ति जाके घर में चौपड़ खेलने लगा। अब देखना, एक तरफ इतना धार्मिक है, इतनी बात है समय, और उसके भाई ने उसे चौपड़ में ऐसा रस लगाया, ऐसा रस लगाया कि अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। अभी देखना व्यक्तित्व, देखना बिल्कुल विरोध में जाएंगे वो व्यक्तित्व की, ऐसा व्यक्ति कितने मिनट में ऐसा हो गया, चलो यहाँ तक हो गया, वो दांव पे लगा के सब हार गया, और फिर उसके बाद वन चला गया। अब वन में भी क्या देखते हैं कि उसे जंगल में छोड़ के चला गया। एक तो गलती करी तुमने, एक तो गलती ये करी कि भाई जुआ खेला और पत्नी को दांव पे लगा दिया, ये क्या मतलब है, नहीं समझ। और फिर दूसरी गलती कि जंगल में गए, जंगल में छोड़ के भाग गए। और तुम बड़े बड़े कहते, देखो देखो ये कितने कितने कितने, मैं कहता हूँ ये कहानी में क्या है भी, इस कहानी का तो मैंने इतना बोल दिया तुम्हारी तो जमीन खिसक जाती है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि आपको नहीं पता ये सारी कहानियाँ लिखी क्यों है। इन कहानियों में जो इतनी ज़्यादा ऊंच नीच करते हैं, इतना ऊपर मन एकदम शिखर पे पहुंचाएंगे, फिर एकदम जमीन पे पटक देंगे, एकदम शिखर पे पहुंचाएंगे, एकदम जमीन पर। सारे प्रथमानियों में देखना तुम, एक मिनट में राजमहल और एक मिनट में जंगल, बीच का कोई रास्ता नहीं मिलता, सीधा राजमहल और जंगल, राजमहल और जंगल, बीच का कोई स्टेज ही नहीं उसमें। तो आपको पता है क्या क्या इसकी थीम क्या है लिखने की, इसकी वो ही थीम है। उसमें वो ये समझाना चाहते हैं कि हे भाई, सिर्फ इतना सा प्रयोजन है इस इतनी बड़ी कहानी का, सिर्फ प्रयोजन ही है जो इतनी तुम तीन दिन में सुनते हो, उसका सिर्फ प्रयोजन ये समझाना है कि हे भाई, जगत में कुछ भरोसा नहीं है, कब कैसा उदय आ जाए, एक मिनट में महल था और एक मिनट बाद जंगल आ गया, ऐसे पुण्य पाप के उदय बदलते रहते हैं, इसलिए हे भाई तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति करो और समता भाव धारण करो और पुण्य पाप से ऊपर उठ जाओ। ये पूरा उसका निचोड़ है। ये सारी कहानियों को आप उठा उठा के देखो कि आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी कहानी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं, रियलिटी है। कोई ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एकदम इतना समझदार पूछा जुआ खेल ले और पत्नी को जंगल में छोड़, क्योंकि जब हम और आप में से कोई दिख रहा है ऐसा, कोई पंचम काल का आदमी दिखा तुम्हें, तो पंचम काल में तो सबसे निकृष्ट होते हैं,
और बेउसी भाव से मोक्ष जाने वाले, तो उसी भाव से जाने वाले कितनी बुद्धि खराब, और हमें मोक्ष मिलना नहीं है, हमारी इतनी अच्छी बुद्धि ये कैसा कैसा है ये सब अंतर समझे। लेकिन तुम चौथे काल वालों की सब गलतियां पचा लेते हो, पांचवे काल वालों का अंचना पानी भी नहीं पचा सकते। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई इस स्टाइल की है, तुम्हें उनके बारे में बोलने का हक दिया नहीं, उनके बारे कुछ खिलाफ बोलो ये तुम्हारी बस की नहीं है, क्योंकि डरा दिया बहुत कि महापुरुषों के बारे में कुछ ऐसे नहीं बोलना, बहुत पाप लगेगा, तो वहां डरे हुए। और देवेंद्र जी के बारे में कुछ भी बोलो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। नहीं समझ में आए? देवेंद्र जी ने भले ही पानी 7 बजे पिया हो, बोल दो पे तो 12 बजे तक पीते हैं, इसमें पाप नहीं लगेगा। अंत समय क्योंकि ये तो अपने ही है, महापुरुष महापुरुष है। तुम जिन्हें महापुरुष कहते हो, मैं गारंटी देता हूँ उस शास्त्र में लिखा है कि वे मोक्ष चले गए, इसलिए तुम शांत बैठे रहते हो। अगर मैं वही कहानी किसी और की सुनाऊँ तुम उसे मारने पहुँचोगे, कहोगे पूजना तो छोड़ो मारो पकड़ के। हाँ, ये कोई आदमी है? है ये क्या तरीका है? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप वस्तु स्वरूप को समझकर उसका प्रयोजन पहचानो। सच्चा गुरु आपको जागरण देता है, आचरण नहीं। क्या कहा? जो सच्चा गुरु होगा वो आपको जगाएगा, वो कहेगा जागो जागो। आप कहोगे अरे जाग बाद में जाएंगे, पहले तो बताओ क्या क्या आचरण पाले। वो कहेंगे कैसा मूर्ख है, तुम्हारा बेटा सो रहा हो, सोते हुए हो, और आप उससे कहो कि बेटा स्कूल जाना है, कह रहा ठीक है पापा तैयार हो रहा हूँ, ड्रेस पहन रहा हूँ, नींद में बोल रहा है, क्या कर रहा हूँ तैयार हो रहा हूँ, ड्रेस पहन रहा हूँ, अब निकल रहा हूँ, तुम कहे भाई पागल है उठे कि कर तो रहा हूँ जो करना है। ऐसे ही तुम नींद में ही छोड़ रहे हो, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, ये नहीं खाएंगे, बताओ ना पंडित जी क्या क्या छोड़ना है, बताओ ना क्या क्या नियम लेने हैं। अवष्ट अष्टान का महापर्व दस क्या अभी अष्टान का थे, और आपको 8 दिन विधान में बैठना है, आपको इंद्र बनाया जा रहा है, आपको ये नियम पालने। अरविंद जी पाले कुछ नियम के नहीं? हाँ साहब, किसने पाले नियम? किसने पाले? मैंने पाले। इंद्र कौन बना? मैं बना। दान किसने दिया? मैंने दिया। एक बार भी लगा कि मैं जानने वाला हूँ एक करने वाला नहीं हूँ? साहब नहीं लगा। इसका मतलब क्या है? सब बेहोशी में हुआ, और बेहोशी में किया गया कार्य जीरो है,